देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत, कुआं देखा कि नहीं, कुआं तो पहले गांव घर में था, अभी भी होगा, हालांकि अब जनसंख्या कम होगी, कुआं की होगी चापाकल, अब हर घर नल योजना आ गया है कि नहीं। तो कहता है कुआं को खोदने में जब पहला एक मीटर खोदा गया तब 150 रुपये की लागत लगी, उसके बाद जैसे जैसे आप मीटर खोदते जाएंगे प्रत्येक अतिरिक्त मीटर का दाम 50 रुपया पर आए। तो ये बताओ हमको एक मीटर का दाम कितना हुआ 150, दूसरे मीटर का दाम कितना होगा, दूसरे मीटर खुदाई की लागत कितना होगा, पहले में था 150 और प्लस 200 रुपया, फिर तीसरे मीटर खुदाई की लागत कितना हो जाएगा, अब 200 और प्लस 50, तो इसी तरह बढ़ता जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास सीक्वेंस क्या आया, पहले आया 150, फिर आया 200, फिर आया 250, चलता रहेगा ये। अब ये एपी में है या नहीं, क्या करेंगे, दो लगातार पदों के बीच का अंतर निकालिए और चेक करें कि अगर वो सेम आ रहा है प्रत्येक बार तो इसका मतलब वो श्रेणी एपी में है। तो निकालो A2 - A1, ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, द्वितीय माइनस प्रथम कितना होगा 200 माइनस, तो 50 आया, फिर A3 - A2 250 माइनस, यहां लिखेंगे चूंकि A3 - A2 = A2 - A1, इसलिए दी गई स्थिति में संख्याओं की सूची एपी में है। बस आपको ये बताना था, समझ में आया, बताओ फिर से एक्सप्लेन करें। एक मीटर खुदाई की कीमत 150 रुपया दिया हुआ है और कहता है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर, जैसे जैसे आप और आगे बढ़ेंगे तो 50 रुपया लगेगा। तो हमने क्या करा, एक मीटर पहले खुदाई की होगी, उसकी लागत 150 रुपया लगा, फिर अगले मीटर पे जब हम गए तो 50 रुपया ही ना लगा, तो टोटल 2 मीटर खुदाई कितना लगा 150 और प्लस 50 कितना हो गया 200 रुपया, फिर अगले पे जाओ तो 3 मीटर खुदाई हो जाएगा तो 200 और फिर 50 ऐड करेंगे 250। तो सीक्वेंस क्या मिला, 150, 200, 250, 300, 350 चलता रहेगा ये। तो हमें क्या करना है, बताना है कि ये एपी में है या नहीं। तो हमने क्या करा, इससे इसको घटा दिया कितना आया 50, यहां से यहां घटा दिया कितना आया, जब हमेशा सार्वंतर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं सार्वंतर, अगर ये बराबर आ जाए इसका मतलब दी गई श्रृंखला क्या है एपी में। नोट करें, Thank you.
चलो हो गया। अच्छा इसमें ना ये भी लिखा हुआ है क्यों, ये एपी में क्यों है, उसका क्या आंसर लिखोगे? हाँ उसमें आप लिखोगे कि प्रत्येक स्थिति में सार्व अंतर एक समान है या बराबर है, इसीलिए दी गई श्रृंखला एपी में। कोई अगर क्यों किताब में भी लिखा हुआ या कोई पूछ दे तो ये एपी में क्यों है, एक ही जवाब देना है कि इस श्रृंखला में दो लगातार पदों के बीच का सार्व अंतर बराबर है, इसीलिए क्या है ये समांतर श्रेणी या एपी में है। चलो आगे बढ़े। अरे वाह, देखो अब जो अगला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है मिश्रधन के बारे में। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मिश्रधन क्या होता है, मूलधन मिश्रधन ब्याज ये क्या है, पता है किसी को? देखो जो राशि आपके पास है, मान लो जो पैसे आपके पास पहले से मौजूद हैं उसको मूलधन कहा जाता है। जैसे मान लो आपके दोस्त को कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ी और वो आपके पास गया, बोला मित्र मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता है कुछ दिनों के लिए, ब्याज पे ही सही, ऐसे तो देगा नहीं, तो ब्याज पे ही दे दो। तो कितना, मान लो 2000 रुपया। वो जो 2000 रुपया मित्र से लिया गया या जिसने दिया वो मूलधन है, वो क्या है मूलधन है, मूलधन, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं। अब जब वो दोस्त ले लिया जो भी ब्याज की दर रही हो, 2% 3% उसकी इच्छा है, तो दो तरह का ब्याज होता है, एक होता है साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। समझना बात को, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष के लिए होता है, हालांकि सवाल को टफ बनाने के लिए, घुमाने के लिए, बच्चों को दिमाग को कसरत करवाने के लिए हम छमाही और तिमाही का भी यूज कर लेते हैं, लेकिन वास्तविक में ब्याज जो साधारण होता है वो ईयरली एक साल के लिए होता है। जैसे 4% का रेट बोला गया मान लो उसके दोस्त ने, और कहा तुम मेरे दोस्त हो तो तुमसे हम क्या ज्यादा पैसा लें, तो जाओ साधारण ब्याज दे देना। तो 2000 का 4% कितना हुआ, 2000 का 4% कितना हुआ, 80 रुपये। क्या 2000 का 80 रुपये हुआ? तो एक साल बाद वो जो दोस्त उसका जो पैसा लिया था कितना लौटाएगा उसको, 2080। अब देखो मूलधन में ब्याज ऐड हुआ, कितना ऐड हुआ, 80 रुपया। तो टोटल जो पैसा ऐड हुआ मूलधन में ब्याज के रूप में उसे क्या कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं, अमाउंट कहते हैं, मतलब मूलधन में ब्याज का ऐड होना, वो ब्याज शायद साधारण हो या चक्रवृद्धि हो। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या है उसको समझ लो, कहता है
वो दोस्त एक साल के बाद भी उसके पास पैसे नहीं आए और किसी कारणवश उसने ना तो ब्याज दिया और ना तो मूलधन दे पाया। बोला यार इस बार तो हो नहीं पाया, मैं अगले साल तुम्हें सारा पैसा और ब्याज से लौटा दूंगा। तो जब अगले साल आया, समझो उसने ये मिटा दे, उसके मूलधन के रूप में कितना था, 2000 रुपया था, इस पे पहले ये 4% का ब्याज लगा तो कितना हो गया, 80 रुपया। फिर इस साल वो नहीं दे पाया, सेकेंड साल फिर क्या होगा, 80 रुपये का ब्याज। फिर थर्ड साल कितना होगा, 80 रुपये। फिर फोर्थ साल कितना होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जब तक वो पैसा नहीं दे पाएगा तब तक वो 80-80 चलता रहेगा। इसे कहते हैं साधारण ब्याज। जब आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो यही ब्याज मिलता है आपको, और जब बैंक से पैसा लेने जाते हो तब बताते क्या होता है, तब लगता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब समझो फिर से, ये क्या था, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब जो एक बार फिक्स हो गया वो चलता रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है, यदि उसने 2000 रुपये लिए ब्याज पे, पहले साल 80 रुपया दिया, समझो बात को, पहले साल तो कोई ब्याज बना ही नहीं, तो चक्रवृद्धि ब्याज बोलो कि साधारण ब्याज बोलो एक ही बात है, वहां कोई चेंज नहीं। दूसरे साल जैसे ही वो आएगा ये कहेगा हम अब नहीं दे पाएंगे, ये बोलेगा कि मेरे पास पैसे नहीं बचे, हम अगले साल आपको देंगे, इस साल मेरे पास नहीं है। तब वो उसका दोस्त जो है वो बोलेगा इसे नहीं मानेगा ये, वो बोलेगा इस ब्याज पे भी इंटरेस्ट लूंगा मैं, तो इसका तो 2000 का इंटरेस्ट अब कितना बना, और यहां पे फिर कितना जाएगा, 4% के हिसाब से निकालो इसका कितना हो जाएगा, 80 × 4/100, एक कट गया, 3 रुपया 20 पैसा, समझ रहे हो। थर्ड ईयर की बात करें हम, अगर समझ लो 4% 80 तो लेगा, इस 80 का भी ब्याज बनेगा, इस 80 का भी ब्याज बनेगा, इस 3 का भी ब्याज बनेगा, समझ रहे हो, ये है चक्रवृद्धि ब्याज। ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कहता है सिर्फ मूलधन पे नहीं, अगर आप ब्याज ना दे पाओ तो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा। जितना ब्याज है, पहले साल तो एक ही ब्याज था, सेकेंड साल में एक और ऐड हुआ, थर्ड साल उसका भी इसका ब्याज लगेगा। सेकेंड साल क्या, एक तो ये अभी तो बना है, इसमें कैसे लगाओगे, जो पहले से ऑलरेडी बना हुआ 80 का लग गया ब्याज। अब जब थर्ड ईयर आ गए तो पहले 80 ये वाला फर्स्ट ईयर का, फिर सेकेंड ईयर का, फिर इसका इंटरेस्ट, फिर इसका भी इंटरेस्ट, जितने सारे ब्याज है सब पे ब्याज लगेगा, और फिर सारा अमाउंट जोड़ के आपको देना पड़ेगा। ये है चक्रवृद्धि ब्याज। सीधी भाषा में अगर समझ में आए तो ब्याज के ऊपर ब्याज, एकदम शॉर्टकट, जो ब्याज है उस पे भी ब्याज आपको देना पड़ता, दैट इज कॉल्ड चक्रवृद्धि ब्याज। तो जब बैंक में पैसा हम जमा करते हैं तो वो हमें सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज देती है बैंक, और जब बैंक से हम अपना ही पैसा लेने जाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। अब पहले वो ब्याज काटते हैं फिर मूल में जोड़ते हैं, बड़ा उल्टा नियम है, तभी बैंक पैसा कमा रही है। तो खैर एम्प्लॉय भी है और हमें ट्रस्ट भी है उस पर, जब जाओगे तब पैसा निकाल भी सकते हो। अब मान लो उसे दोस्त को दे दिए, दोस्त फिरार, तो कहानी खत्म हो जाएगा। चलो अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, समझ में आया बात। अब यहां पे जो ब्याज ऐड होगा इसी को क्या बोलेंगे, मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो उसका एक फॉर्मूला है, जब चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो क्या फॉर्मूला होता है, मिश्रधन बराबर ए बराबर पी 1+R/100/
अब यहां पे P क्या है, P है आपका मूलधन, A क्या है मिश्रधन, और R क्या है दर, और N क्या है सम। इस फॉर्मूला से आप डायरेक्ट मिश्रधन निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ये याद ना रहे तो पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें, और या दूसरी विधि साधारण ब्याज ऐसा ही बोलते हैं उसको, क्या होता था मूलधन इसको निकाल लें और फिर अमाउंट क्या हो जाएगा पी प्लस ऐसा, इससे भी निकल जाएगा, प्रत्येक साल निकालते चले जाएं, मूलधन चेंज होता चला जाएगा और आपका मिश्रधन निकल जाएगा। दो तरीके से ये फॉर्मूला भी है या फिर ये तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आपने पहले भी पढ़ा है कि नहीं। तो यहां जो सवाल दे रहा हुआ है, आप सवाल पे आते हैं, आप चाहे नोट कर लें इसको, ये फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए इसको फटाक से। यह साधारण ब्याज है, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट, ये अमाउंट। दसवीं कक्षा में शायद ब्याज वाला क्वेश्चन नहीं है ना, नौवीं या आठवां में शायद ऐसे था उसका। हाँ हो गया, चलो आगे बढ़े। देखो अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ भी है, कहता है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। 10,000 रुपये क्या है आपके पास, पी का मान कितना है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, दर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। अब अमाउंट निकाल लीजिए पहले साल के लिए, प्रथम वर्ष के लिए, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ए की वैल्यू 10,000 वन प्लस 8/1 तो लिखना नहीं। अब चाहो तो इसको सॉल्व, देखो इसको कटाना मत, कटाओगे ना तो गुना भाग ज्यादा करना पड़ेगा, क्या करो एलसीएम ले लो सीधा, क्या हो जाएगा 10,108/100, दैट कट गया, और एकदम आसानी से बिना कैलकुलेटर के 10,800 रुपया आपका मिश्रधन आ गया। मतलब 800 रुपया क्या निकला, ब्याज निकला, और डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, देखो ध्यान से,
दस हजार का 8% 800 जोड़ दो इसमें 10,800। पहले वर्ष के लिए कोई चिंता की बात नहीं है, द्वितीय वर्ष से फिर आपका दिक्कत है। कैसे निकालें? जब साधारण ब्याज के तरीके से निकालोगे तो अब मूलधन दूसरे वर्ष के लिए इतना लेंगे, ना कि ये लेंगे। जो हमने या में लिखवाया था उस फॉर्मूले से अगर आप बनाते हो तो मूलधन प्रत्येक वर्ष चेंज होगा, और नहीं तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, इसमें कोई चेंज नहीं करना आपको, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बल्कि क्या उस समय होगा, एन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो देखो फिर द्वितीय वर्ष दूसरे वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष एन की वैल्यू कितनी होगी, टू, ए बराबर कितना 10,000, 1 प्लस पावर परिकर, अभी भी कटाना नहीं है, आप सीधा एलसीएम ले लें तो 10,000 गुना 108 गुना क्या हो जाएगा 100 गुना 2 2 4 2 2 4 कट गया, अब इसका गुना करो 11,664 ठीक है। तीसरे वर्ष के लिए एन की वैल्यू 3 लेंगे तो ये कितना होगा 10,000 1 प्लस 8 बाय पावर, अब क्या करो कटा दें, अब कटा दो 4 2 25 हो जाएगा 10,000 25 प्लस 2 27 3 बार, और नीचे 25 3 बार, 25 से कटाओ 25 चौके 100 फिर कटेगा 25 16 अब नहीं कटेगा ना, यही पंगा पड़ता है, देख लो गुना भाग करो बताओ कितना आ रहा है, गुना भाग कीजिए इसको, या तो अच्छा है या तो क्या, इसको कटाओ मत, कटाओ ही मत इसको, रुको मिटा दें या गुना भाग करोगे। देखो इससे आसान है, आप 10,000 1 प्लस 8 बटे पावर तो जगह 10,000 108 को 3 बार गुना कीजिए, 2 बार आप कर रखे हो, और नीचे कितना होगा 100 को 3 बार, तो 2 2 4 तो गया ये 108 गुना 108 कितना लिखा था 11,664 गुना 108 और डिवाइडेड बाय 100, अब इसको गुना कर दो, इसको गुना कीजिए, एक दो पांच नौ सात एक दो डिवाइड बाय, तो 2 सुना लगा दो, इसे पॉइंट लगा दो घर के बाद, तो 12,597 रुपया लगभग। देखो पॉइंट 10 पैसा 12 पैसा क्या वैल्यू है आज के डेट में, अरे वैल्यू नहीं है उसका, हटा दो उसको, 50 पैसे रहेगा तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 40 पैसे रहेगा तो सरकार खाते चला जाएगा, वो नियम है। चलो अब देखो, अब हमें क्या करना है, देखना है कि ये क्या है, एपी में है कि नहीं, एपी में ये है कि नहीं ये चेक करना है। तो सीक्वेंस क्या, पहले इसको मिटा, पहले इसको लिख लो फिर मिटाते हैं इसको, लिखो पहले, Thank you.
अब ये बताना है कि ये एपी में है कि नहीं। तो हमारे पास जो सीक्वेंस आई, पहला आया 10,800, उसके बाद आया कितना आया 11,600, 12,597 चलता रहेगा ये। देखो ये सीक्वेंस आया, अब ये एपी में है, क्या करेंगे आप, ए टू माइनस ए वन, तो 11,664 माइनस 10,000 तो कितना हुआ 4,6, 16 माइनस 8 इतना रुपया आया। फिर ए थ्री माइनस ए टू, तो 12,597 माइनस 11,664 कितना आया ये 933। दिख रहा साफ साफ बराबर, ए टू माइनस ए वन नॉट इक्वल टू, इसलिए दी गई स्थिति में संख्याओं की सूची एपी में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सार्वंतर बराबर इसका नहीं। समझ में आया? हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रही है, बोलिए। और बना ली, अच्छी बात है ना, हम तो बोले समझ में आया, तुम बोले सर कम। हाँ तुम पहले क्लास में थी एपी में। हाँ तो क्या करते हैं, ए टू में से ए वन करते हैं, ए थ्री में से ए टू करते हैं, और देखते हैं सब बराबर आ रहा है कि नहीं उसका सार्वंतर। सार्वंतर बराबर आया तो एपी में है, यहाँ बराबर आया। अरे तुम कैसे घटा दी इसको, 4,10,800 नहीं रे यहाँ, तुम 10,000 कैसे लिख दी, मिश्रधन बोला गया है ना, मिश्रधन 10,800 है, वो मूलधन है 10,000। आपसे मिश्रधन के बारे में बोला गया है ना कि मूलधन के बारे में, ठीक है। तो नोट करो, चलो आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सबका हुआ, बोलो स्पीड बढ़ाइए, चाल बढ़ेगी समय कम लगेगा, है कि नहीं, चाल बढ़ाइए। हाँ मूलधन में जब ब्याज ऐड हुआ, मिश्रधन कहला गया, मूलधन रहा कहाँ, मूलधन में जो ब्याज आपने ऐड करा आपका वो धन बढ़ गया, मिश्रधन हो गया। ए का मतलब होता है अमाउंट, मिश्रधन। करें आगे, चाल बढ़ी तुम लोगों की, चाल बढ़ाओ समय कम लगेगा। क्वेश्चन नंबर दो देखो, क्वेश्चन नंबर दो में कह रहा है दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और सार्व अंतर निम्नलिखित हैं। पता कि चार पद आपको लिखने हैं, किसी भी एपी का प्रथम पद दिया हुआ है और सार्व अंतर मतलब डी की वैल्यू दी हुई है, तो चार पद, बेहद आसान क्वेश्चन है, मिटा दें, बोलो
तुम दूसरे बस पहुंची अभी तक रे। नारायण तुम लोग हो गया इधर, सबका इधर हो गया, कुंदन हो गया है, 100 100 ना होगा रे। हाँ सुनना छोड़िए तो तुम लोग हो गया। अच्छा इस साइड वाला हो गया सबका, नहीं तो लास्ट वाला नहीं हुआ होगा। लिखो लिखो जल्दी लिखो, ये वाला तो मिटा दे। चलो देखो ना क्या निकालते हैं, इसमें चार पद लिखने हैं आपको। प्रथम पद दिया हुआ है, सार्व अंतर दिया हुआ है, हाँ तो चार पद देखो। क्वेश्चन नंबर 2 का 1, प्रथम पद का मतलब क्या, सुनो यहां ध्यान दो। अब प्रथम पद मतलब क्या दिया हुआ आपको, ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है, सार्व अंतर मतलब आप ये बताइए किसी भी एपी का एनवा पद अंतिम पद का फॉर्मूला हमने आपको लिखवाया था, उम्मीद है कि आपने याद नहीं किया होगा। हाँ याद है बताइए, आराम से फिर से बताइए सोच के। हाँ ए एन बराबर ए प्लस यहाँ से गड़बड़ा गई। अच्छा बैठिए, ठीक है कोशिश किया ना भाई। चलो आदित्य खड़ा हो, ईमानदारी से बोल दो याद है। हाँ बोलो रुक जाओ, स्थिति बुरा है आदित्य, सुधरो, कुंदन के साथ मत रहो। बैठिए श्वेता खड़ी होइए, याद है ईमानदारी से बताइए। ए एन माइनस जय, बैठिए। कहाँ गई सुप्रिया की दोस्त, कहाँ गई, हाँ खड़ी होइए। याद नहीं, देखो इतना बढ़िया से बोल रहे, याद ही नहीं, काहे दिमाग खराब कर रहे। अमन खड़ा हो बोलिए। अरे एनवा पद है उससे एक कम होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बैठियो, किसी भी एपी का एनवा पद लास्ट पद क्या होता है, ए प्लस। अब आपसे कहा गया है प्रथम चार पद समझ लो, प्रथम चार पद, तो पहला पद के लिए n की वैल्यू क्या होगी, प्रथम पद तो n की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो a1 कितना इधर दिया हुआ, ये सही भी है, a1 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 0 इंटू डी, ये आपको दिया हुआ ही था। फिर a2 निकालो, n की वैल्यू द्वितीय पद यहां क्या होगा, a2 a प्लस 2 माइनस 1 इंटू ए प्लस डी, 10 प्लस 3 पद n की वैल्यू, गप नहीं करो, 3 पद n की वैल्यू 3, तो a3 कितना होगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू ए प्लस 10 प्लस 2 गुना 10 गुना 20 प्लस 10, एन की वैल्यू 4। चौथा पद ए प्लस 10 प्लस 3 इंटू
40 निकल गया। किसी भी एपी का पहला और उसका सार्वंतर दिया रहे, कोई भी पद बोले 15वां 16वां 20वां 21वां, आप एन की वैल्यू वो डाल दो। एन क्या होता है? पदों की संख्या, उसको डाल दो आप, आपको ए और डी में एक रिलेशन आ जाएगा, ए और डी का मान लगा दीजिए, आपका वो पद निकल जाएगा। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक, थैंक यू। किताब दे दो।